इंडिया गेट जैसा एरिया है, ये बिल्डिंग बन रही है, ये यहाँ का इंडिया गेट जैसा है। साले उसकी गलती है, वो चूतियापन ऐसे चला रहा है। हाँ वो अपनी भगाया जा रहा है लड़की। तो फाइनली गाइस ये गाड़ी आ चुकी है अपनी सही पर, यार अभी भी इंजन मेल फंक्शन आ रहा है लिखा हुआ, डर तो लग रहा है मुझे, पर देखते हैं कोई नहीं, अब लेके तो आए हैं बाइक, चलते हैं ऐसी, अब जो होगा। चलो दिखाता हूँ मैं आपको कुछ, ये जयपुर छोड़ रहे हैं बस, इतना ही था जयपुर का टूर, थोड़ा सा उदास तो है ही क्योंकि ठीक नहीं गया पूरा, ना कुछ घूमे ना कुछ खाए ना कुछ पिया, दिन भर ऐसे निकल गया पूरा आज बाइक सर्विस पे देने के चक्कर में, आधा टाइम वहाँ ख़राब हो गया और बाकी जो कुछ था वो भी हो गया। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने कैमरा नहीं ऑन किया था, बेवकूफ़ी करता हुआ गया है ओला पे, तीन बच्चे पीछे बैठे हैं बिना हेलमेट के, एक लड़की जिसमें से, और वो लड़की वो जा रहा नहीं आगे गया, आगे गया है, तीन बच्चे बैठे हुए और वो बंद, और पीछे वाली बच्ची ना पैर ऐसे, छोटी बच्ची है तो पैर खोल रही है बंद कर रही है, और वो बंदा मेरे पीछे चल रहा था, फिर आके मुझे देखा, फिर पता नहीं क्या वो पीछे ऐसे हॉर्न दिया, भगा के निकला है। तो भाई बच्चों को तो बिठा के मत चलाओ यार ऐसे बेवकूफ़ी से, तो भाई मत खड़ा करो यार ऐसे, छोटे बच्चों के लिए तो भाई बहुत वो है, हल्की सी भी चोट अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। तीन बच्चे थे, एक शायद 5-6 साल का था और एक उससे भी छोटा था, उसके बीच में एक उससे पीछे लड़की थी, वो भी छोटी ही थी 10-12 साल की, वो ऐसे पैर खोल रही है बंद कर रही है। भाई मत करा करो यार ऐसे। तो गाइस अभी निकले थे यहाँ से, अभी हम हैं, तो गाइस मैंने ना एक चीज़ देखी है कि आपके जब भी आप लोग ट्रिप पे जाओगे ना, तो कितना ही प्लान कर लो, हर चीज़ प्लान कर लो कि इतने बजे उठूँगा, इतने बजे जाऊँगा, इतने बजे निकलूँगा, इतने बजे पहुँचूँगा, इतने बजे वापस आऊँगा, इतने दिन रुकूँगा, इतने पैसे लगेंगे। भाई कुछ परफेक्ट नहीं होता, जो होना होगा ना वो हो के रहेगा। बाइक ख़राब होनी है, कार ख़राब होनी है, पैसे ख़त्म होने हैं, 10 झमेले होते हैं, 10 चीज़ें हैं, 100 चीज़ें हैं, एक तुम सही हो, तुम्हारे साथ वाले के साथ हो जाएगा, तुम्हारे साथ हो जाएगा, किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से जो लॉन्ग टूर करते भाई, मतलब अपना ना देख के चलो कि भाई कुछ भी अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, कुछ भी अनएक्सेप्टेबल हो सकता है तुम्हारे साथ, तो उसी हिसाब से प्लान करो, उसी हिसाब से चलो। बाकी तो देखो ये भी जा ही रहा है, ये जा रहा नबील, पीछे फरहान आ ही रहा है। तो भाई उसी हिसाब से करो, देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कुछ नहीं है आसपास ये देखो जंगल, ये देखो जंगल, और गोप्रो में मतलब अंधेरे में कोई फ़ायदा नहीं है शूट करके, कुछ नहीं दिखता। तो अभी मैं निकल गया हूँ, रास्ते में अगर कुछ होगा तो बनाता हूँ वीडियो, वैसे बहुत लंबी हो गई वीडियो, तो अब घर पहुँचने से पहले थोड़ी सी बनाऊँगा। बाकी आप लोग वीडियो में प्यार देना, बताना कैसा लगा, कंटेंट में कुछ दिक्कत हो तो बताना, वॉइस इशू हो तो बताना, एडिटिंग इशू हो तो बताना, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा
उस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि और भी काम है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि प्रॉपर राइडिंग करो, क्योंकि जॉब भी है साथ में, ये राइडिंग के पैसे वहीं से आते हैं। मेरे पास जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही मेरे कोई फैमिली सपोर्ट है इस चीज़ में, क्योंकि फैमिली यार सपोर्ट करनी भी नहीं चाहिए, लेनी भी नहीं चाहिए भाई, घर चलता है यार उससे सब लोगों का, इसीलिए जो अपना कमा रहे हो अपना खाओ भाई, तो वो अच्छी चीज़ है, करते रहो, बाकी देखते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके, अभी कुछ होगा तो आगे दिखाता हूँ वीडियो, नहीं तो फिर घर पहुँचने से पहले बनेगी अब लास्ट क्लिप। बंदर और उसके भाई बैठी हुई दोनों, या तो बच्चे, वो देखो एक छुप गया अभी, दो थे। वो बैठे हुए देखो ऊपर दिख रहे हैं, गोप्रो जूम नहीं होता यार, ये दिक्कत है। ये ढाबा है श्री वीर तेजा जी, वेलकम। तो अभी यहाँ पे खाना वाना खा लिया, रात का हो गया डन, अब चलते हैं दिल्ली के लिए। उधर में बच्चे उठे हुए इस टाइम पे, मजे करो भाई मजे करो। वाओ, रिम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, मस्त लाइफ है भाई इनकी, इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर्स बोल रहे हैं। मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस, जर्नलिज्म, हॉस्टल, फैशन, टेक्सटाइल, ओहो होटल मैनेजमेंट भी है भाई, द ब्लू हर्ट, डेंटल कॉलेज, ओहो आओ, इसके पीछे शायद एक और बन रहा है, सही है भाई काफी। तो गाइज रात के 1:30 बज गए हैं और मैं पहुंचने वाला हूँ बवाली, बवाली पहुंचने वाला हूँ मैं। दिख प्रॉब्लम ना ये है, वो जो पीछे जो दो स्कूटियाँ है ना वो नहीं चला पा रहे भाई, वो थक गए, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और मैं क्या करूँ, रुकना पड़ रहा है भाई, साथ में दोस्त हैं अपने, तो रात को भी जाम, ये 3 बजे 2 बजे के टाइम पे जो जाम लग रहा है ये किस रीज़न से लग रहा है, वो भी हाईवे के ऊपर, क्या रीज़न हो सकते हैं इसके हाईवे के ऊपर जाम लगने के। पहला कोई चेक पोस्ट है लगा हुआ आगे, फक यार बेंच, डर लगता है यार इतने बड़े बड़े टायर है साला, एक पैर तो नीचे ही होता है जब हल्की स्पीड होती है बाइक की। अच्छा खांसी हो गई यार दोबारा, भाई ये देखो क्या बाजरा गिरा हुआ यार, सारा गेहूं अनाज गिर गया, वो ट्रक पे बैठे हुए थे सब, कितना नुकसान होता होगा यार जिसका होता होगा ये, यार गलत है यार बहुत, पूरा ट्रक पलट गया, वो पूरा बाजरा दाल वाल सारी सब्जियां थी भाई उसमें, इतना गलत है यार। और सब पैरों में आता है यार, पहुंच गया मैं गुड़गांव, गुड़गांव नहीं सॉरी छतरपुर पहुंचने वाला हूं, जयपुर से आ गया, अभी टाइम हो रहा है 4:35। टोटल जो सिर्फ राइड जो की है उसका टाइम मैं बताऊं तो 5 घंटे 12 मिनट 33 सेकंड अभी तक, ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट घर पहुंचने में लग जाएंगे, तो मतलब पौने छः घंटे में दिल्ली से, वो सॉरी जयपुर से गुड़गांव, जयपुर से दिल्ली अपने घर तक,
यार नॉट बैड, क्योंकि स्कूटी से भी चला रहे थे दो साथ में, तो मैं स्कूटी वालों के साथ था अपने दोस्तों के, तो उन लोगों के साथ साथ चल रहा था, क्योंकि मैंने 70-80 से स्पीड ज़्यादा नहीं भगाई, क्योंकि वो लोग, मैं भगाता वो पीछे रह जाते हैं, फिर इसलिए मैंने हल्की स्पीड में ही चलाई है बाइक, ताकि साथ साथ में वो बने रहें, क्योंकि कहीं पता नहीं होता ना कि किसको कब ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए। तो घर पहुंच गए भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मेरा सुबह 7 बजे सेशन भी, और मेरी शायद हालत भी आज ख़राब है। तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के लिए, जब तक के लिए मिलते हैं फिर। देखो अभी 3 टूर कर लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, ठीक है? बाकी फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू।